तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएस एनिमल प्लैनेट और मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नर और मादिन की पहचान कैसे करें। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था हमारे पास, राधा कृष्णा फैन। तो दोस्तों, उन्होंने कमेंट किया था कि नर और मादिन में कैसे पता लगाएं कि ये नर है या मादिन है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर वीडियो बन रहा है कि नर और मादिन की का पता कैसे लगाएं। दिखाओ भाई। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो मादिन छोटे वजूद की होगी, सिर से लेके खड़ान वगैरह सब जो है इसकी बरीक होगी, सिर भी बरीक होगा, छोटा सिर होगा, यहाँ से पता लग जाता है दोस्तों ये मादिन है। ये चीज़ गोलाई शेप में होगी मादिन की, और ये छाती ज़्यादा चौड़ी नहीं होने की और बरीक होगी, ठीक है। और दोस्तों, दूसरा एक तरीका ये है कि ऐसे पकड़ लो कबूतर को, ठीक है दोस्तों। मादिन जो होगी वो दोस्तों बिल्कुल इस तरह से पड़ी रहेगी, पलटेगी नहीं बिल्कुल भी। जो नर होगा दोस्तों वो पलट जाएगा, मादिन नहीं पलटेगी। ये भी एक पहचान है, क्योंकि मादिन दोस्तों पलटती नहीं, वो ऐसे ही रहती है, मतलब ऐसे रहेगी तो मादिन है, ठीक है दोस्तों। ये भी एक तरीका है, ठीक है दोस्तों। और फिर दोस्तों, कबूतर की खड़ान से पता लग जाता है कि ये नर है या मादिन है। मादिन हमेशा छोटे वजूद की होती है। मादिन दोस्तों यहाँ से जो है झुक के चलेगी मादिन, नर जो है दोस्तों ऐसे खड़ा होकर चलेगा, नर ऐसे खड़ा होकर चलेगा और मादिन जो है झुक के चलेगी, ठीक है दोस्तों। और फिर आपके पास अगर कोई पिंजरा हो उसमें आप दो कबूतर छोड़ लें, मादिन को भी छोड़ के देख लें, एक मादिन के साथ नर छोड़ दें, ठीक है दोस्तों। नर तो गुटकेगा और मादिन जो है मस्त आएगी दोस्तों। ये सब 10 कुंदों के बाद पता चलता है, जब कबूतर 10 पर साफ करके आ जाता है, पट्टा हो जाता है, तब पता लग जाता है कि नर है मादिन है। मादिन दोस्तों अक्सर मस्ताने लग जाती हैं और नर जो है दोस्तों गुटकता है। दोस्तों ये मादिन है एक हमारे पास, एक ये वाली जीरी मादिन है, एक दोस्तों ये देखो जोड़ा का जोड़ा पूरा, ये कलसीरा नर है दोस्तों और वो जीरी जो मादिन है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये मादिन आई जीरी और ये नर है। नर देखो हमेशा खड़ी खड़ान चलेगा और मादिन हमेशा झुक के चलेगी, ठीक है दोस्तों। नर और मादिन में ये पहचान है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों कलसीरा नर है और ये मादिन है दोस्तों, देखने से ही पता लग जाता है ये मादिन है और वो नर है। नर हमेशा मोटा होगा, मादिन हमेशा पतली होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये नर मादिन की पहचान है। और एक आप कबूतर को उल्टा करके पकड़ो, अगर वो एकदम से खड़ा हो गया तो वो नर है और पड़ी रहेगी जो वो मादिन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो में जवाब मिल गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आरएस एनिमल प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।